कल लोकसभा चुनाव का पांचवां चरण है, 20 मई है और 6 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने हैं, जिसमें से 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की होती हैं, जिसमें से 3 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगातार सुर्खियां बटोरती रही हैं और ये हॉट सीट हैं रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ रायबरेली सीट की और रायबरेली सीट पर इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार हमारे YouTube चैनल इन्फोआईवे इंडिया में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रायबरेली से इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी। जी हाँ, वही राहुल गांधी जो जिनको 2019 में हार का सामना करना पड़ा अमेठी सीट से। 2004 से लेकर 9 और 14 तक लगातार वह अमेठी के सांसद रहे और अमेठी की जनता उनसे लगातार उनके काम का हिसाब मांगती रही और जब उनको लगने लगा कि काम का हिसाब देना मुश्किल होगा तो वह उन्होंने अपनी सुरक्षित सीट देखते हुए पिछले बार 2019 में वायनाड से भी उन्होंने पर्चा दाखिल किया और दोनों सीटों में से सिर्फ वायनाड की सीट बचा सके, अमेठी से हार गए थे और परिवार की खानदानी सीट लंबे अंतराल के बाद बीजेपी के पास यानी किसी अन्य पार्टी के पास गई थी, जिसे पारिवारिक और परंपरागत सीट कहा जाता है, तो वहां से जनता ने इनकी विदाई कर दी थी और इस बार यह रायबरेली की सीट पर आए हैं और वहां से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत ही बुझे मन से वहां से उन्होंने पर्चा भरा है, आपने सारे वीडियो फोटो देखे होंगे। और रायबरेली से इसके पहले जो सिटिंग सांसद हैं सोनिया गांधी, इनकी उनकी माताजी हैं और इस सीट को भी परिवार की सीट बताया जाता है, लेकिन यह राजतंत्र नहीं है कि यहाँ पर बार बार परिवार का व्यक्ति का राज्याभिषेक होगा और यह लोकतंत्र है। जनता यहाँ पर विकास देखती है, आपका काम देखती है, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करती है, आपका चयन करती है। तो जब अमेठी की जनता उनके काम से जब ऊब गई, काम का हिसाब नहीं ले पाई तो अमेठी की जनता ने उन्हें हटा दिया। अब रायबरेली की जनता के पास जब वही जाते हैं तो क्या गारंटी कि वहां पर रायबरेली की जनता को हिसाब दे पाएंगे? तो रायबरेली की जनता के सामने एक तरफ विकास की गारंटी लेकर मोदी खड़े हैं तो दूसरी तरफ हिसाब न देने वाले राहुल गांधी खड़े हैं और तीसरी बात जो सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है वह यह कि वह परिवार की सीट चुने रायबरेली की जनता या मोदी के विकास को चुने। और मोदी के विकास के साथ गारंटी है, नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है यह अपने आप में बड़ी बात है और विभिन्न स्तरों पर काफी काम किया है। तो क्या रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी का वह पुत्र चाहिए जो कि उन्होंने कहा है कि मैं रायबरेली को राहुल गांधी सौंप रही हूं और यह आपको निराश नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि निराश करेंगे? जहां मोदी सरकार की इतनी बड़ी गारंटी है कि वो गारंटी की सिर्फ बात करते हैं, हर काम करते हैं, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी का पुत्र राहुल गांधी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार का जो अंतर था, जो बीजेपी के वहां से उम्मीदवार हैं वो दिनेश प्रताप सिंह हैं, पुराने कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, कांग्रेसी पुराने रहे हैं 2010 से लेके 2018 तक, वह कांग्रेस के द्वारा विधानसभा परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे। 2018 में वह बीजेपी में आ गए, 2019 में बीजेपी ने उनको वहां से उम्मीदवार बनाया था और वह वोट वहां से पा सके थे, उनको वोट मिले थे 3,67,740 वोट मिला था। और आप देखिए कि सोनिया गांधी को कितना वोट मिला था, 5,64,918। यह अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और यह अंतर पिछले के कई लोकसभा इलेक्शन देखेंगे तो उसके लिहाज से यह अंतर लगातार घटता गया है और बीजेपी का जो वोट शेयर है काफी बढ़ता गया है। तो इससे स्थिति समझ में आ रही है अमेठी को देखते हुए, कांग्रेस को यह समझ में आ रही है कि राहुल गांधी की स्थिति क्या हो सकती है। तो राहुल गांधी ने के बारे में जो कांग्रेस के जो इनपुट आ रहे हैं वह यही बता रहे हैं कि अगर वो दोनों सीट जीत जाते हैं तो वह रायबरेली की सीट छोड़ देंगे और हार जाते हैं तो वैसे ही छूट जाएगी, फिर अगला इलेक्शन होगा, चुनाव जो भी होगा। तो रायबरेली की जनता पर डिपेंड करता है कि वह कैसे उम्मीदवार को चुने, क्या वह खाली बैठी है कि बार बार वोट डालने जाएगी, या ऐसे उम्मीदवार को चुनेगी जो कुछ करेगा नहीं, या ऐसे उम्मीदवार को वोट देगी जिसका जीतना तय नहीं है। तो रायबरेली की जनता पर डिपेंड करता है कि वह पुरानी सेंटिमेंट को परिवार के लेके चले, कि वह विकास, नरेंद्र मोदी के विकास को पकड़े, जहां लोकप्रियता के ऊंचे शिखर पर इस समय नरेंद्र मोदी हैं और जो पूरी समीकरण बता रहे हैं कि रायबरेली में कौन जीतेगा उस लिहाज से देखा जाए तो अभी हाल ही में अमित शाह का वहां लगातार वहां पे डेरा रहा, वह उन्होंने काफी फोकस किया
रायबरेली की सीट पर, और इस फोकस के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा जो काम किया वह इसी बीच में मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के होते हैं उनसे वह समर्थन की अपील करने गए थे, और इस अपील का प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ आप समझिए कि मनोज पांडे रायबरेली ऊंचाहार और अमेठी क्षेत्र में उनकी धरातली पकड़ बहुत अच्छी है, जमीनी पकड़ अच्छी है, लोगों के बीच में संपर्क संवाद बहुत मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में अब एक बड़ा फैक्टर भी जुड़ गया है बीजेपी के साथ, जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ होते हुए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाता था, तो यह फैक्टर भी सपा से टूट के बीजेपी की तरफ आ गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि टक्कर बहुत कांटे की होने वाली है और रायबरेली की जनता को थोड़ा सा अकल से चलना होगा कि उसका वोट खराब ना हो, ऐसे कैंडिडेट को न दे कि जो कैंडिडेट कुछ करे ना, ऐसे कैंडिडेट को न दे जिसको देने के बाद हार का सामना करना पड़े, या ऐसा कैंडिडेट को न दे कि जो वहां से छोड़ के दूसरे सीट पर चला जाए, पलायन कर जाए, और ऐसे भी कैंडिडेट को न दे जिसको किसी जगह से खदेड़ दिया गया है, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से वो जिस तरीके से हारे थे उस लिहाज से देखा जाए तो अपने आप में उनका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि यह किस तरीके के उम्मीदवार हो सकते हैं, किस तरीके के आपके प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो रायबरेली की जनता को बहुत सटीक फैसला लेना होगा, बहुत सही फैसला लेना होगा, और ऐसी सरकार को चुनना होगा जो राष्ट्र को मजबूत करे, जो जनता में निचले स्तर तक कार्य करे, जो जो जातियों में न बांटती हो जनता को, वह युवा, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, इस तरीके के लोग, इस तरीके के वर्ग पर जो है फोकस करती हो विकास को लेके। तो कल रायबरेली में कल वोट पड़ने हैं, उत्तर प्रदेश की हॉट सीट है रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज। अभी हमने जिक्र किया रायबरेली का, और अभी टोटल जो पुराना बैकग्राउंड था इलेक्शन का उस पर मैं नहीं गया, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही मजेदार है और सारे वोटर बहुत साइलेंटली वोट दे रहे हैं। तो कल जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ यही अपडेट थी हमारी रायबरेली के लिए, और आप जो है कल जाके तबीयत से वोट डालें और एक मजबूत सरकार के लिए अपने वोट का प्रयोग करें। फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों और कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, कुछ राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ जो छन कर आती हैं तमाम मीडिया स्रोतों से, प्लेटफॉर्मों से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।